साथ पावर स्टार पवन सिंह जी के टीम यहाँ पे हैं पटना में। जी हाँ, कैसे हैं विकी भैया? बढ़िया है भैया, आप लोग कैसे हैं? और अच्छे। बगल में दीपक भैया हैं, कैसे हैं दीपक भैया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज गुंजन सिंह जी के और रिसेप्शन में आ रहे हैं, क्या कुछ उनको बधाई देना चाहते हैं? अरे बहुत अच्छा लग रहा है उनके। दो से तीन हो, ये दीपक भैया। पवन भैया कितना देर में यहाँ पे पहुँच रहे हैं? 10 मिनट में पावर स्टार यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या कुछ उनको बधाई देना चाहते हैं पवन भैया? और कुछ प्रोग्राम भी है वो तो गुंजन जी को देना है ना बधाई। उनका जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे, बाद बाकी हमारे भैया बोलेंगे आगे क्या बोलना। नहीं, दोनों का जोड़ी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग, कम से कम ये एक बहाना है, सारे कलाकार इकट्ठा होते हैं। ये हमारा छोटा भाई विशाल बोलेगा दो लाइन गुंजन भैया के लिए। गुंजन भैया के लिए छोटे भाई, उनका प्यार। जब हम लोग इतनी दूर से आ गए हैं, सब लोग टिकट करा करा के, तो सोच लिए बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत प्यार करते हैं हम लोग, वो अपना प्यार दिखाने के लिए हम लोग आए हैं। पवन भैया का गाना आया है खमरिया पतरे पतरे, इसके लिए भैया क्या कहेंगे? पवन भैया का गाना बवाल बा, हिलावत रहला हिलेबे करी, पवन सिंह नाम है, पावर इजे से चालू होला ये खत्म होला। क्या बात है, आज पटना में गुंजन सिंह जी के रिसेप्शन में आए। जी 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 जी, उनको क्या कुछ बधाई देना चाहेंगे? बहुत, उनको मैंने बेस्ट विशेस दे दिया है जी, कि नई लाइफ की शुरुआत हुई उनकी, बहुत अच्छा लगा उनके लिए। स्पेशली हम लोग आए हैं, सारे लोग भैया भी आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। पवन भैया कितना टाइम लगेगा उनको आने में? और उनका पूरा टीम पहुंच चुका है, आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। भैया क्या कुछ तैयारी होगा यहाँ पर, क्या प्रोग्राम वगैरह? कुछ प्रोग्राम नहीं, मिलने आएंगे, देखते हैं आगे क्या करना है। अच्छा भैया, आप कब जुड़े थे पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ? मैं रिलेटिव हूँ उनका, तो बहुत पहले से जुड़ा हूँ, बचपन से। अरे बचपन से जुड़े हैं, क्या बात। अच्छा कैसे हैं भैया, इसलिए मूड के कैसे हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत, सब दर्शक जानते हैं पहले से कि भैया कैसे हैं, किस मस्ती में रहते हैं, किसके आगे कौन क्या रहता है, सब पता है सब। अच्छा, अक्सर मैं आपको देखता हूँ कि ऑडी में बैठ के अक्सर जो है पवन सिंह जी के जो विरोधी होते हैं उनको लतारते रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कोई गलत करता है तब बनाते हैं। सब हर इंसान को एक दूसरे से मिल के रहना चाहिए, किसी को ये सब करने की जरूरत नहीं है, किसी के विरोधी कोई नहीं है, सब लोग आगे बढ़िए, सब लोग तरक्की कीजिए। अभी एक गाना में भी आप थे पावर स्टार पवन सिंह जी का, वो कौन सा गाना था? हिंदी का सॉन्ग था। हाँ, वो दो लाइन हो जाए। अरे मैं सिंगर थोड़ी हूँ। नहीं, आपका अगर वो गाना का नाम क्या था? मेरे दिल से तेरी याद जाती नहीं। क्या बात है, पवन भैया के साथ आप और गाने में भी नजर आएंगे? हिंदी रहेगा तो जरूर आएंगे। हिंदी गाने में ही आएंगे। अच्छा, उनके भोजपुरी गाने आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे, बस उनका ही सुनता हूँ भोजपुरी गाना। भोजपुरी में बहुत सारे गायक हैं, लेकिन आप बेस्ट किसे मानते हैं? कैसी बात, सवाल ही गलत है ये। पवन भैया, पवन भी अच्छे। लोग कहते हैं कि पवन सिंह घमंडी हैं, ये वो कहते हैं, ये सब कोई क्वेश्चन है? कोई घमंडी होने नहीं, जब इंसान के पास पैसा रुतबा पावर होता है तो उसको हर दूसरा इंसान घमंडी समझता है। अच्छा। अब हर इंसान के साथ तो घुल मिल के खड़े नहीं रह पाएंगे ना एक जगह पे। लोग सोचते हैं गलत तरीके से उसको, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जी जी। सब सबको मानते हैं, सबको प्यार करते हैं। जब वो किसी इंसान को, किसी भी बड़े इंसान को, कोई भी छोटा इंसान जब तक पर्सनली नहीं मिलता है उसको नहीं पहचान पाता कि वो कैसा है। जिस दिन वो पर्सनली मिल लेता है, पर्सनली बात कर लेता है, तो वो इंसान समझ जाता है कि ये कैसे हैं। लोग दूर से परसेप्शन बनाते हैं अपना, वो गलत है, दूर से नहीं बनाना चाहिए। मिलिए, बात कीजिए, उसके बाद आपको अगर कुछ गलत लगे फिर अपना परसेप्शन बनाइए, किसी को गलत बोलिए। एक डायलॉग आपकी आवाज़ में, आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं, तो पवन भैया के मूड बनने में टाइम लगता है। क्या, कौन सा मूड बनने में टाइम लगता है? मूड बनने में, मूड बनने में टाइम लगता है। पवन सिंह नाम है बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। क्या बात है, एकदम। बहुत जाते जाते दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहते हैं, जो आपको भी प्यार करते हैं और पवन भैया को? मुझे प्यार दर्शक इसलिए करते हैं क्योंकि मैं भैया के साथ रहता हूँ। मेरा ऐसा कुछ भोजपुरी से पहले कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन भैया के साथ रहते रहते कनेक्शन बन गया है। तो जो भी लोग मुझे भैया की वजह से प्यार करते हैं उनको दिल से थैंक यू और लव यू।